चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी है और ई की पावर एक्स है। बाईपार्ट लगाने जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हम लोग बाईपार्ट से तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन इस एपिसोड में हम आपको एडजस्ट करके करना सिखा रहे हैं, ताकि आप कुछ इससे इंस्पायर होइए और क्वेश्चन को एडजस्ट करके करना सीखिए। तो ई की पावर एक्स टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है। तो इसको हम किसी तरह से दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक पार्ट आपका एफ एक्स होगा, दूसरा क्या होगा एफ डैश होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो दैट इज़ ई की पावर एक्स। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो आपका टू थीटा एक्स है, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका एक्स बाई टू हो जाएगा। तो ये हमने कॉस एक्स बाई टू ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा, नीचे तो आपका सिंपल है, वन प्लस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, हाफ एंगल फॉर्मूले में, ठीक है, या टू थीटा फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकते हो आप टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये डिफरेंट अलग अलग डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, देयर इज डी एक्स एंड नाउ दैट इज रिटेन एज ई की पावर एक्स एंड वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू एंड प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। और ये टू रहेगा, टू टू कैंसिल आउट हो गया, इसके बाद एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू, दैट कुड बी रिटेन एज ए टेन एक्स बाई टू। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख दे रहे हैं दैट इज रिटेन एज ए टेन एक्स बाई टू डी एक्स। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, दैट कुड बी रिटेन एज ए वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इसमें एफ एक्स कौन होगा, उसका डेरिवेटिव कौन होगा? शायद हाँ कर पा रहे होंगे। अगर इसके हम एफ एक्स मान लें तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, और जब चेन रूल से आप एक्स बाई टू का डेरिवेटिव देखेंगे तो वो वन बाई टू आएगा। तो दैट इज़ कम्प्लीटली एफ डैश एक्स। मतलब यहाँ आपके पास ये एफ एक्स हो गया और वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आपका क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। तो आंसर तो बड़ा सिंपल है, यहाँ से आप सीधे थ्रो कर सकते हो आंसर ई की पावर एक्स एंड टेन एक्स बाई टू प्लस इंडेफिनिट कॉस एक्स सी, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।